यू, आई होप यू विल बी फाइन देयर। तो स्वागत है आपका डीएमपी क्लासेस में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली कंप्यूटर जो हैं वो क्लासिफाई होते हैं तीन टाइप में, बेस्ड ऑन द टाइप, बेस्ड ऑन देयर साइज एंड बेस्ड ऑन द पर्पस। तो पहले हम शुरू करेंगे बेस्ड ऑन द टाइप्स। बेस्ड ऑन द टाइप्स में कंप्यूटर तीन तरह के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर पे आते हैं। एनालॉग कंप्यूटर, जैसा कि इसका नाम है, एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसे कंप्यूटर हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने में यूज़ होते हैं। जैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ हो गई आपका लेंथ, टेम्परेचर, प्रेशर, हाइट एक्स्ट्रा। बेसिकली कंप्यूटर्स में दो तरह के सिग्नल्स होते हैं, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल ऐसे होते हैं जिनका एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी फिक्स रहते हैं। इन सिग्नल्स को मापने के लिए, मेजर करने के लिए जिन कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है उन्हें एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ ऑफिस में या घरों में नहीं किया जा सकता। इनका ज़्यादातर यूज़ मेडिकल फील्ड, साइंस में किया जा सकता है। जैसे थर्मामीटर, हम एग्जांपल लेते हैं, थर्मामीटर आउटपुट को हमारे सामने दिखाने के लिए एनालॉग सिग्नल का ही यूज़ करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर में मेमोरी या स्टोरेज नहीं होता, ये पिछला डेटा स्टोर नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने बोला थर्मामीटर, अब थर्मामीटर हर बार आप बॉडी के साथ टच करते हैं तो उसमें हर बार आउटपुट अलग आता है, तो इसलिए उसमें इनपुट स्टार्ट से ही शुरू होता है और आउटपुट अलग होता है। तो ये एनालॉग कंप्यूटर की एग्जांपल है। इसमें और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि स्पीडोमीटर है, सीज़मोमीटर है भूकंप को मापने वाला, एनालॉग क्लॉक है, वोल्ट मीटर है। ये एनालॉग कंप्यूटर की बड़ी सारी फीचर्स हैं, जैसे कि ये रियल टाइम डेटा दिखाते हैं। ये एक ही समय में इनपुट लेते हैं और उसका आउटपुट दिखाने के बाद ही दूसरा इनपुट लेते हैं। एनालॉग कंप्यूटर को स्पेशल पर्पस के लिए डिज़ाइन किया गया था। ज़्यादातर इनका यूज़ विंड, साउंड, स्पीड जैसी मेजरमेंट्स करने के लिए होता है। एनालॉग कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल मशीन है जो जो बेसिकली कैलकुलेशंस करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरह से। डिजिटल कंप्यूटर की कंपैरिजन में एनालॉग कंप्यूटर्स जो हैं वो चीपर हैं। एनालॉग कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने की कैपेबिलिटी कम है और डिजिटल कंप्यूटर की कंपैरिजन में एनालॉग कंप्यूटर जो हैं वो प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं देते, मतलब इनका रिजल्ट जो है वो अप्रॉक्सीमेट होता है। एनालॉग कंप्यूटर के कुछ यूजेस हैं, ये मेडिकल साइंस और सर्जरी में यूज़ होते हैं। इन द फील्ड ऑफ साइंस, पेट्रोल पंप में जो मीटर्स लगे होते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है वोल्ट मीटर के द्वारा, जैसे हमने अभी एग्जांपल ली। सीज़मोमीटर, टेम्परेचर जैसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को भी मेजर करने के लिए हम एनालॉग का यूज़ करते हैं। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर होते हैं जो आपकी गाड़ियों में मीटर लगे होते हैं जो उसकी स्पीड बताते हैं, उनमें भी एनालॉग का ही यूज़ होता है। फिर एनालॉग कंप्यूटर की कुछ एडवांटेजेस हैं। एनालॉग कंप्यूटर की जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है, ये बहुत ही कम समय में आउटपुट देते हैं। एनालॉग कंप्यूटर रियल टाइम डेटा दिखाते हैं, ये बहुत ही सस्ते हैं और एनालॉग कंप्यूटर इनके जो रिजल्ट्स हैं, जो ये शो करते हैं रिजल्ट्स, ये बहुत ही इजी वे में रिजल्ट शो करते हैं। इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एनालॉग कंप्यूटर में डेटा स्टोर ज़्यादा नहीं होता, एनालॉग कंप्यूटर की डेटा स्टोरेज कैपेसिटी कम है और ये रिजल्ट जो हैं वो अप्रॉक्सीमेट में दिखाते हैं, प्रॉपर एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दिखाते। फिर उसके बाद हम करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर पे आओ। डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर
आज के समय में डिजिटल कंप्यूटर बहुत उपयोग में आता है, चाहे छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा, डिजिटल कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत कॉमन हो गया है। हम अपने रोज़ के कार्यों में डिजिटल कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो बाइनरी नंबर सिस्टम पर काम करता है। इन कंप्यूटरों को बेसिकली कैलकुलेशंस के लिए बनाया गया था, और आहिस्ता आहिस्ता इसमें डेवलपमेंट करने के बाद ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स भी बन गए हैं। इसको डिजिटल कंप्यूटर का जो मेन काम है वो है कैलकुलेशन करना। इसके लिए इसको हम कैलकुलेटर भी कहते हैं। आज डिजिटल कंप्यूटर बहुत एडवांस हो गए हैं। ये सिर्फ कैलकुलेशंस पे ही लिमिटेड नहीं है, इनका यूज़ बहुत सारे कामों में और भी यूज़ आता है। डिजिटल कंप्यूटर के पास स्टोरेज डिवाइस होता है, ये बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत फास्ट है। इनका यूज़ डेली बेसिस पे भी किया जा सकता है। जैसे कि आप एग्जांपल्स ले सकते हैं, स्मार्टफोन हो गया, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, पर्सनल कंप्यूटर आदि। नो डिजिटल कंप्यूटर को बनाने का मुख्य मोटिव कैलकुलेशंस था, लेकिन ये कंप्यूटर इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि इनसे बहुत बड़े बड़े कार्यों में भी हम काम ले सकते हैं। ये विद इन नो टाइम बहुत सारे कैलकुलेशंस कर सकते हैं, बड़े सारे काम कर सकते हैं। वर्किंग जो है डिजिटल कंप्यूटर की, वो आप पढ़ चुके हैं। जैसे कि इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है, ये आप पिछले हमने पीछे डिस्कस किया था इसके बारे में। नो फीचर्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर्स के जो फीचर्स हैं उसमें आता है गुड मेमोरी। इसकी मेमोरी जो है वो बड़ी होती है। देन गुड स्पीड, ये बहुत स्पीड से काम कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग, बड़े सारे काम जो हैं ये एक टाइम पे हो सकते हैं। इसकी एक्यूरेसी एज कम्पेयर टू एनालॉग कंप्यूटर अच्छी है। बहुत सारे काम और भी होते हैं इसमें, जैसे सिंगिंग हो गया, प्लेइंग मूवीज हो गया, गेम्स हो गया। इजी टू यूज़ है और डिफरेंट प्राइस रेंजेस में ये अवेलेबल मार्केट में हो सकते हैं। यूजेस, नाउ इसके यूजेस हैं, जैसे आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं, मूवीज प्ले कर सकते हैं, सिंग कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, एजुकेशनल पर्पस के लिए ये आजकल स्कूल्स कॉलेजेस में भी यूज़ होते हैं। वीडियो एडिटिंग और फोटो एडिटिंग जैसे डेली बेसिस के काम में ये रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ हो सकते हैं। फैक्ट्रीज में बहुत सारी मशीन्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं। मेडिकल फील्ड और साइंस एक्सप्लोरेशन में भी इनका यूज़ है। नाउ नाउ एडवांटेजेस एडवांटेजेस अभी आपने जाना कि डिजिटल कंप्यूटर जो है बहुत फास्ट है और इनका आउटपुट और रिजल्ट जो है ये एक्यूरेसी के साथ शो करते हैं। देन मल्टीटास्किंग और डेटा स्टोरेज, इनमें एक फीचर है कि इनका डेटा स्टोरेज बहुत बड़ा है और मल्टीटास्किंग होते हैं ये। वो अपने स्पीड्स के लिए जाने जाते हैं और ये क्वालिटी आउटपुट जो है वो क्वालिटी के साथ क्रिएट करते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को ये सपोर्ट करते हैं और यूज़र जो है वो काम कर सकता है बहुत ही सरल तरीके से, आसानी से काम कर सकता है इसमें। नाउ डिसएडवांटेज हैं कि वायरस अटैक्स इसमें बड़े ज़्यादा होते हैं। एक बार इसमें वायरस घुस जाए तो इसकी परफॉर्मेंस को ख़राब कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें हैकिंग जो है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट डाटा जो है वो लूज़ हो सकता है अगर ये एक बार हैक हो जाए। ये एनालॉग के कंपैरिजन में कॉस्टली होते हैं और इसमें पावर कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एनालॉग। और इसमें इसको यूज़ करने के लिए इसको ट्रेनिंग और स्किल्स चाहिए होते हैं। नाउ थर्ड इज हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर ये बहुत एडवांस कंप्यूटर होते हैं जिनका यूज़ बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस में किया जा सकता है। ये बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस जो हैं ये आसानी से कर सकते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर में वो वाले कंप्यूटर होते हैं जिनमें डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर दोनों का मिक्सचर होता है। ये इन कंप्यूटर का मेन मोटिव है
कि ये बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को बड़ी आसानी से करते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों ही सिग्नल्स को इनपुट के रूप में भी ले सकते हैं और दोनों सिग्नल्स आउटपुट की फॉर्म में भी दे सकते हैं। ये बहुत ही एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट्स शो करते हैं और ये बहुत फास्ट होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ स्पेशल पर्पस के लिए किया जाता है, इनको हम पर्सनल यूज़ के लिए नहीं ला सकते। ये दूसरे कंप्यूटर्स की कंपैरिजन में बहुत ही कॉस्टली होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर हाइकम 250 था। इसे 1961 में पैकार्ड बेल ने बनाया था। इसके बाद 1963 में हाईडेक 2400 नाम का दूसरा हाइब्रिड कंप्यूटर आया था। इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे रेडार हो गया, एयरलाइंस, डिफेंस हैं, साइंस लैब, अल्ट्रासाउंड मशीन्स, एटीएम, सीटी स्कैन, ये हम हाइब्रिड कंप्यूटर्स की एग्जांपल्स दे सकते हैं। इन इन फील्ड्स में ये जो चीज़ें लगी हुई हैं, ये एज ए हाइब्रिड कंप्यूटर का काम कर रहे हैं। नाउ यूजेस क्या होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर के? हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ पेट्रोल पंप में फ्यूल फ्लो को करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। डिफेंस में, एयरलाइंस में, शिप्स में या एरोप्लेन्स में हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ रडार सिस्टम में किया जाता है। हॉस्पिटल्स में आईसीयू, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड मशीन्स जो हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर्स हैं। वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। जो सीएनजी और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले व्हीकल्स हैं उनमें भी हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ होता है। सेलफोन में एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करने के लिए भी एनालॉग हाइब्रिड कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। नाउ कुछ इसमें एडवांटेजेस हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर जो हैं ये रिजल्ट्स को बहुत एक्यूरेटली शो करते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर की स्पीड बहुत फास्ट है, इसलिए ये कैलकुलेशंस बड़ी जल्दी करके इनका आउटपुट जो है वो फास्ट शो करते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर्स रियल टाइम सिस्टम्स में काम करते हैं और बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को जल्दी से सॉल्व करते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर ऑनलाइन डेटा प्रोसेसिंग करने में भी हेल्प करते हैं। इनमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटरों के दोनों गुण होते हैं। नाउ डिसएडवांटेजेस कुछ हैं। डिसएडवांटेजेस में आता है हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग सिर्फ स्पेशल पर्पस के लिए किया जाता है, इन्हें पर्सनल यूज़ में नहीं लाया जाता। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की कंपैरिजन में हाइब्रिड कंप्यूटर कॉस्टली हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर एक कॉम्प्लेक्स मशीन है। जो हाइब्रिड कंप्यूटर यूज़र यूज़ करते हैं उन्हें चलाने के लिए उन्हें ट्रेनिंग चाहिए, उनके सॉफ्टवेयर की पूरी जानकारी उन यूज़र्स को होनी चाहिए हाइब्रिड कंप्यूटर को चलाने के लिए। हाइब्रिड कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करता है। तो नेक्स्ट इज माइक्रो कंप्यूटर। ये अब हम पहले किया हमने टाइप्स पे, अब हम करेंगे साइजेस पे। बेस्ड ऑन देयर साइजेस पांच तरह के कंप्यूटर हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, नेटवर्क कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। आइए अब इनको एक एक करके करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स, आज के समय में कंप्यूटर के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी हो गया है। माइक्रो कंप्यूटर एक छोटा आकार का कंप्यूटर है जिनमें सीपीयू के स्थान पर माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर एक पुराना शब्द हो गया है, अब नया शब्द इसके रिप्लेसमेंट में आया है पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को एक समय में एक ही व्यक्ति यूज़ कर सकता है। माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर, रैम, रोम, इनपुट और आउटपुट पोर्ट, इंटरकनेक्टिंग वायर सभी एक यूनिट में रखे जाते हैं, जिसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का यूज़ सामान्य पर्पस, कॉमन पर्पस के लिए किया जाता है, जैसे घरों में, स्कूल में, कॉलेज में और ऑफिसेज में भी यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। ये पार्ट्स हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। पार्ट्स में इनपुट डिवाइस है, माइक्रो प्रोसेसर है,
ALU है, मेमोरी है और आउटपुट डिवाइस है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। नो, इसकी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स में माइक्रो कंप्यूटर में आप ले सकते हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, नोटबुक, ये सारी माइक्रो कंप्यूटर की एग्जांपल्स हैं। नो, फीचर्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर साइज़ में छोटे हैं। इनका यूज़ पर्सनल कंप्यूटर के रूप में किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर एक समय में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। इनकी स्टोरेज कैपेबिलिटी, प्रोसेसिंग स्पीड दूसरों के कंपैरिजन में कम है। इनकी वैल्यू, प्राइस दूसरे कंप्यूटर के कंपैरिजन में भी कम है। माइक्रो कंप्यूटर में बहुत से सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन होते हैं जिनके द्वारा यूज़र्स जो हैं वो डिफरेंट काम कर सकते हैं। नो, यूजेस क्या हैं? यूजेस कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं माइक्रो कंप्यूटर? ऑफिस के लिए, घरों में कॉमन यूज़ है इसका। डॉक्यूमेंट्स को आप बना सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, इंटरनेट चलाने के लिए भी है। घर से ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं, शॉपिंग, बिल पेमेंट जैसे कामों के लिए भी। इमेज एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सब माइक्रो कंप्यूटर्स के यूज़ हैं। नो, सम आर द एडवांटेजेस माइक्रो कंप्यूटर्स की हैं। माइक्रो कंप्यूटर साइज़ में छोटे हैं जिनके कारण एक स्थान से दूसरे स्थान में हम इनको ले जा सकते हैं। दीज आर पोर्टेबल। माइक्रो कंप्यूटर को मेंटेन करना भी आसान है। यूज़र बिना किसी सपोर्ट के अपने पर्सनल कंप्यूटर में आने वाली कोई भी समस्या हो उसको वो ठीक कर सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल करना आसान है। यूज़र्स बहुत ही थोड़े ट्रेनिंग में इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अन्य किसी भी कंप्यूटर की तुलना में माइक्रो कंप्यूटर की कीमत बहुत कम होती है। कॉमन मैन के लिए माइक्रो कंप्यूटर खरीदना आसान है। माइक्रो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़कर आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। पर्सनल यूज़ के लिए माइक्रो कंप्यूटर सबसे बेस्ट कंप्यूटर है। नाउ, इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। माइक्रो कंप्यूटर में कम पावर के प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है जिससे इनकी परफॉर्मेंस जो है वो कम होती है। माइक्रो कंप्यूटर की सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। इनमें आसानी से वायरस एंटर कर सकता है। माइक्रो कंप्यूटर की स्टोरेज बहुत अधिक नहीं होती, इसलिए हमें एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव की यूज़ कर सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में अनेक आप गेम खेल सकते हैं। बहुत सारी सोशल साइट्स हैं जो यूज़र को माइक्रो कंप्यूटर के लिए बहुत ही हैबिचुअल बना सकती हैं। इसलिए माइक्रो कंप्यूटर जो उसकी यूज़ है उससे यूज़र को अपने काम पे फोकस नहीं कर सकता, कंसंट्रेशन नहीं होती। नाउ, नेक्स्ट इज मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर एक प्रकार का कंप्यूटर है जिसमें बड़े कंप्यूटर की मैक्सिमम फीचर्स और कैपेबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन ये आकार में छोटा है। मिनी कंप्यूटर एक मध्य आकार के कंप्यूटर का है जिसमें साधारण कंप्यूटर के सभी गुण मौजूद हैं। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से अधिक पावरफुल होते हैं, लेकिन मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर के कंपैरिजन में ये कम पावरफुल हैं। मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज सिस्टम भी कहा जाता है। मिनी कंप्यूटर एक साथ कई सारे यूज़र मिलकर काम कर सकते हैं। ये कंप्यूटर मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम पर आधारित हैं। इनमें दो या दो से अधिक प्रोसेसर भी होते हैं। मिनी कंप्यूटर का यूज़ बिजनेस, फाइल मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट, बिलिंग, अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। मिनी कंप्यूटर को 1960 की दशक के मध्य में डेवलप करना शुरू किया था। पहला मिनी कंप्यूटर IBM कंपनी ने बनाया था 1916 में, जिसका नाम था प्रोग्रामेबल डेटा प्रोसेसर 1। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे IBM AS/400, हनीवेल 200, इंटर डेटा 732, 832, एप्पल मैक मिनी। नो, इनमें स्मार्टफोन, टेबलेट, आईपैड, ड्राइंग टेबल्स, ये इनकी टाइप्स हैं मिनी कंप्यूटर्स की।
नाउ मिनी कंप्यूटर्स के फीचर्स। मिनी कंप्यूटर एक मध्यम आकार के कंप्यूटर हैं। मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर के कंपैरिजन में ये छोटा और माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। मिनी कंप्यूटर मल्टीटास्किंग होते हैं। बहुत सारे यूजर्स दो से इसमें प्रोसेसर्स हैं, इसलिए ये मल्टी प्रोसेसिंग है। मोर टास्क एट वन टाइम कर सकते हैं आप। इसमें स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो भी ज़्यादा है अदर देन माइक्रो माइक्रो कंप्यूटर से। मोर एक्सपेंसिव होते हैं देन माइक्रो से एंड यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशंस, बैंकिंग सेक्टर्स, रेल रिजर्वेशंस एक्स्ट्रा। नो यूजेस ऑफ मिनी कंप्यूटर। बिजनेस एंड अकाउंटिंग पर्पजेस के लिए यूज होते हैं। फाइल मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट, इन्वेंट्री, सर्फिंग इंटरनेट, ऑनलाइन बैंकिंग, शॉपिंग, बिल पेमेंट, वीडियो, इमेज एडिटिंग में यूज़ होते हैं। इन साइंटिफिक कैलकुलेशन में मिनी कंप्यूटर्स भी यूज़ होते हैं। नौ समर्थता एडवांटेजेस हैं। पोर्टेबल होते हैं क्योंकि इनका आकार छोटा है, एक जगह से दूसरी जगह आप शिफ्ट कर सकते हैं। इनका यूज़ करना बहुत आसान है। स्पीड जो है ये माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है और ये एक्यूरेट होते हैं। लेस एक्सपेंसिव होते हैं मेन फ्रेम से एंड यूज़ लेस पावर देन एनी अदर कंप्यूटर। नो सम आर द डिसएडवांटेजेस हैं। नॉर्मल मैन इन्हें नहीं खरीद सकता। जैसे कि एप्पल का प्रोडक्ट है, ये आप मिनी कंप्यूटर में ले सकते हैं, ये नॉर्मल मैन नहीं खरीद सकता। कीबोर्ड जो है इसका छोटा होता है, दैट्स वाई इसमें टाइपिंग की डिफ़िकल्टी आती है। लेस मेमोरी होती है एज़ कम्पेयर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर से। पेन ड्राइव और हार्ड ड्राइव यूज़ होते हैं स्टोरेज स्टोरेज के लिए। सम कंप्यूटर्स कम विदाउट यूएसबी पोर्ट। कुछ कंप्यूटर्स जो हैं वो यूएसबी पोर्ट के बिना आते हैं, इवन उसमें सीडी और डीवीडी ड्राइव भी नहीं होती। नाउ नेक्स्ट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक बड़े आकार वाली मशीन है जिसमें हाई मेमोरी स्टोरेज और हाई ग्रेडेड प्रोसेसर होते हैं। सामान्य डिजिटल कंप्यूटर की कंपैरिजन में मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत तेज़ और पावरफुल है। ये काफ़ी तेज़ी से डेटा को प्रोसेस करते हैं, इसलिए इनका यूज़ बैंकिंग, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, लार्ज कंपनीज, साइंटिफिक रिसर्च और पॉपुलेशन सेंसस में सेंट्रलाइज मशीन के रूप में किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो अल्ट्रा स्पीड के साथ कई कामों को कर सकते हैं। इन कंप्यूटर में एक साथ बहुत सारे यूज़र्स काम कर सकते हैं। ये आकार में बहुत बड़े होते हैं। एक कॉमन मेन फ्रेम कंप्यूटर 2000 से लेके 10,000 स्क्वायर फीट तक एरिया कवर कर सकते हैं। इनकी स्टोरेज कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर के कंपैरिजन में मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन एक सुपर कंप्यूटर जितनी पावर मेन फ्रेम में नहीं होती। नाउ हिस्ट्री में हावर्ड मार्क वन एक मेन फ्रेम कंप्यूटर था जिसे 1930 में हॉवर्ड आइकन ने डेवलप किया था और 1943 में ये बनकर तैयार हुआ था। इसका साइज़ पूरे कमरे जितना बड़ा था और इसका जो वेट था वो 5 टन के बराबर था। 1945 में एनियाक नाम का एक मेन फ्रेम कंप्यूटर तैयार हुआ जिसे जे परस्पर एकर्ड और जॉन मॉकले ने डेवलप किया। एनियाक के बाद एडवेक 1949 में बनकर पूरा हुआ। 1951 में यूनिवैक नाम का मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो इन दोनों आविष्कारकों ने बनाया। आज के मेन फ्रेम कंप्यूटर को जो सेल करते हैं वो कंपनीज हैं आईबीएम, हिटैची, यूनिसिस और एम डेल। नो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। आईबीएम जेड सीरीज की ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है। जगुआर है, क्रे XT5 है, नेब्यूले है, आईबीएम 370 है, फुजित्सु है, हिटाची है, आई सीरीज के सिस्टम हैं। नाउ फीचर्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर। आकार में मिनी और माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़र को बड़ी मात्रा में डेटा को एक साथ प्रोसेस
करने की अलाउंस देते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर लंबे समय तक काम कर सकते हैं। इन्हें एक बार एस्टेब्लिश किया जाए तो ये कम से कम 50-60 सालों तक सही तरह से काम करेंगे। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक साथ कई यूज़र काम कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर में एक साथ कई सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर को मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसी कारण इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। मेन फ्रेम कंप्यूटर सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। इनमें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, वीएमएस ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं यूज़ होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग के दौरान कोई बग या एरर होने की संभावना कम रहती है, क्योंकि ये किसी बग को सिस्टम में घुसने की अलाउंस नहीं देते। मेन फ्रेम कंप्यूटर में वर्चुअल स्टोरेज सिस्टम का यूज़ किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर सभी प्रकार के इनपुट और आउटपुट डिवाइस को सपोर्ट करते हैं। नौ कुछ यूजेस हैं। हॉस्पिटल्स में बहुत सारे मरीजों की बीमारी, दवाई और उनके अपॉइंटमेंट शेड्यूल से जितनी भी रिकॉर्ड्स हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। इन द फील्ड ऑफ डिफेंस मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ होता है, जैसे अर्थक्वेक्स हो गए, शिप्स हो गई, एयरप्लेन्स हो गए, इनमें भी मेन फ्रेम का यूज़ होता है। बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, इनमें इनका डेटा को ट्रैक करने के लिए भी मेन फ्रेम का यूज़ किया जाता है। बैंकिंग पर्पसेस के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों में डेटा जो है प्रोसेस करने में मेन फ्रेम का यूज़ किया जाता है। ई बिजनेस में प्रोडक्ट रिकॉर्ड रखने के लिए भी आप मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। रेलवे लाइंस या एयरलाइंस हो गई, इनमें टिकट की रिजर्वेशन में भी मेन फ्रेम का यूज़ किया जाता है। इसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ मेन फ्रेम क्या है। मेन फ्रेम कंप्यूटर सभी प्रकार के कंप्यूटर वायरस, मालवेयर आदि से बहुत सुरक्षा करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर अल्ट्रा कंप्यूटिंग स्पीड में बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को, एप्लीकेशंस को चलाने में हमारी हेल्प करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर लंबे समय तक चल सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट बहुत बड़ी है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में डेटा को स्टोर किया जा सकता है इसमें। मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सुरक्षित होते हैं, इसलिए हम डेटा को मैनेज कर सकते हैं। इसका यूज़ बड़ी कंपनियों में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक साथ कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। नौ डिसएडवांटेजेस हैं। बहुत एक्सपेंसिव होते हैं ये, ऑफिसेज, होम्स और स्कूल्स में यूज़ नहीं होते हैं, पोर्टेबल नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए आपको स्पेसिफिकली ट्रेंड यूज़र्स की ज़रूरत होती है। मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा है। ये कंप्यूटर जो है सॉल्व नहीं कर सकते ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम जैसे कि सुपर कंप्यूटर करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज वर्क स्टेशन कंप्यूटर। वर्क स्टेशंस और जो एप्लीकेशन डिज़ाइंड की जाती हैं, एंड दीज आर यूज बाय स्मॉल इंजीनियरिंग कंपनीज, आर्किटेक्ट्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो होते हैं, एंड एनी ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल दैट रिक्वायर्ड ए फास्टर माइक्रो प्रोसेसर, जिसको ज़रूरत होती है। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी है। स्पेशल फीचर्स जैसे कि हाई स्पीड ग्राफिक्स होते हैं, इसमें अडाप्टर्स होते हैं। एमंग द मोस्ट सक्सेसफुल मेकर्स जो हैं वर्क स्टेशन में सन माइक्रो सिस्टम आता है, एचपी आता है, डीईसी एंड आईबीएम है। इन टूडेज कॉरपोरेट एनवायरनमेंट में बहुत सारे वर्कर्स जो हैं इन वर्क स्टेशन इनमें होते हैं। दे आर सिंपली पर्सनल कंप्यूटर्स अटैच टू ए लोकल एरिया नेटवर्क के साथ इनको अटैच किया जाता है, जो शेयर करते हैं ये रिसोर्सेज, एक या अलग अलग रिसोर्सेज बहुत सारे कंप्यूटर्स का। तो जो डेवलप्ड है ये वर्क स्टेशन जो डेवलप किए हैं ये उन यूज़र्स के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स या विंडोज़ एनटी यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट
नेक्स्ट हम करेंगे सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, इनके फीचर्स। सुपर कंप्यूटर बहुत ही एडवांस कंप्यूटर होते हैं जिनका यूज़ एक स्पेशल पर्पस के लिए किया जाता है। ये कंप्यूटर बहुत फास्ट हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस जो हैं ये बहुत जल्दी करते हैं। ये दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मेजर करने के लिए हम इनकी स्पीड जो है वो फ्लॉप्स में मेजर करते हैं। सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े होते हैं, इनको स्टोर करने के लिए कम से कम भी कोई एक हॉल चाहिए। ये आमतौर पे जो नॉर्मल डेली बेसिस की काम है उनमें यूज़ नहीं होते, आप इनको घरों में यूज़ नहीं कर सकते। ये स्पेशल पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, जैसे इंसान जो है वो उसकी सोच जो है यहाँ पे ख़त्म होती है, सुपर कंप्यूटर जो हैं वो वहाँ से अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। बहुत सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो एक मनुष्य जो है ह्यूमन कॉमन मैन जो है वो सोच भी नहीं सकता, सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो कुछ ही सेकंड में वो कैलकुलेशन जो हैं वो सॉल्व करते हैं। सुपर कंप्यूटर पर बहुत सारे लोग एक साथ काम कर सकते हैं। ज़्यादातर ये इन द फील्ड्स ऑफ साइंस इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाता है सुपर कंप्यूटर्स को, क्योंकि इनकी फास्टेस्ट कैलकुलेशन होती हैं साइंस में भी इंजीनियरिंग में भी। तो दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर हम बोलेंगे 1960 में बनकर तैयार हुआ था, जिसका नाम CDC 1604 था। ये डेवलप किया था सीमर क्रे ने। नाउ वर्ल्ड का सुपर कुछ अब टर्म्स हैं हमारी, हम इनको करेंगे। अब दुनिया का सबसे जो दुनिया में सबसे सुपर कंप्यूटर जो बना था दुनिया का, वो उनमें फुजाकू नाम है, सनवे थायोलाइट है, समिट है, सीरा पर्ल मोटर, सिलीन, फ्रंटेरा, टियान है, दमाम, और भी कई सारे सुपर कंप्यूटर्स हैं। नो जो भारत में सुपर कंप्यूटर्स बने थे उनका नाम है परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बना था, प्रत्युष, महीर, पदम, सहस्रत, परम युवा, आदित्य, परम शिवाय, ये जो थे ये भारत में थे। सुपर कंप्यूटर जो हैं उनकी कॉस्ट जो है वो करोड़ और अरब में जाती है, ये सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं। इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर बना था वो परम 800 था, 1991 में बना था। अब इंडिया में कम से कम 40 सुपर कंप्यूटर बने हुए हैं अभी तक की डेट में। जो दुनिया का सबसे पहला था उसका नाम था इलियाक 4। एंड वर्ल्ड्स का जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है दैट इज फुजाकू सुपर कंप्यूटर, ये जापान में डेवलप हुआ था। नाउ इसके बाद हम करेंगे इसके कुछ फीचर्स हैं। सुपर कंप्यूटर आकार में सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं, इसलिए इन्हें रखने के लिए बड़े स्थान की आवश्यकता होती है। सुपर कंप्यूटर मल्टीटास्किंग होते हैं, एक साथ कई सारे यूज़र मिलकर इसमें काम कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर की स्पीड जैसे कि मैंने बताया ये फ्लॉप्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड में मेजर की जाती है। सुपर कंप्यूटर के काम उसकी कैपेबिलिटी जो है वो काम करने की बहुत फास्टेस्ट है। इसमें बड़े सारे हज़ारों मनुष्य जो हैं हज़ारों ह्यूमंस वो अकेले ये सुपर कंप्यूटर ही संभाल सकता है। इसकी कीमत बहुत महंगी है, दीज आर वेरी कॉस्टली, करोड़ों और अरबों में इनका कीमत है। सुपर कंप्यूटर जो है कुछ विशेष स्थानों में ही पाए जाते हैं, जैसे आप रिसर्च लैब्स में होंगे, कोई मेडिकल रिसर्च जब कहीं मेडिकल वर्क्स में, वहाँ पे आप सुपर कंप्यूटर्स को पा सकते हैं। देन इसके यूजेस हैं, यूजेस ऑफ सुपर कंप्यूटर में सबसे पहले ये वेदर फॉरकास्टिंग ये काम आता है। देन न्यूक्लियर रिसर्चेस, इसमें न्यूक्लियर रिसर्चेस में हम करेंगे ह्यूमन रिसर्च और लाइफ साइंसेस रिसर्चेस को जानने के लिए सुपर कंप्यूटर का काम आता है। नाउ डिजाइनिंग ऑफ स्पेसक्राफ्ट जो है सुपर कंप्यूटर से बेटर हो जाती है। देन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्मी वेपन्स ड्यूरिंग वार, ये भी सुपर कंप्यूटर का काम है।
गवर्नमेंट जो है वो डाटा को इनक्रिप्ट करती है, तो उसके लिए उसको सुपर कंप्यूटर चाहिए। एप्लीकेशन्स जो रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग करती हैं उनमें भी सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है। टफेस्ट जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हैं उनमें भी सुपर कंप्यूटर यूज़ होते हैं। एंड इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे रोबोट्स हो गया, उसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ फीचर्स डालते हैं, उनमें भी सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। नाउ देन इज एडवांटेजेस क्या है? अभी एडवांटेजेस इसमें सब क्लियर हैं कि इट इज़ वेरी फास्ट है एंड कैलकुलेट ऑफ कैलकुलेशन कुछ ही सेकंड्स में कर सकता है। हैकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है इसमें, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट होती है। मल्टी यूज़र होता है, मल्टी टास्किंग है, वेरी मच हाई एक्यूरेसी है इसकी, ह्यूमंस की थिंकिंग के बियॉन्ड ये काम कर सकता है। तो नाउ सम आर द डिसएडवांटेजेस दैट दिस इज़ नॉट पोर्टेबल बिकॉज ऑफ इट्स साइज, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, मेंटेनेंस के लिए इसको एक्सपर्ट्स की आवश्यकता होती है, मोर हीट इज़ रिलीज्ड जब ये काम करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा है, जब कमरा जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, इसलिए हम बेसिकली एसीज जो हैं वो इनमें यूज़ करते हैं। पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है इसमें और ये पर्सनल यूज़ के लिए नहीं होते। तो ये आप सब आ गया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब एक टाइप कंप्यूटर की और रही है बेस्ड ऑन देयर पर्पज़। तो बेस्ड ऑन देयर पर्पज़ में हम दो तरह के कंप्यूटर्स हैं, वन इज़ जनरल पर्पज़ कंप्यूटर एंड सेकेंड इज़ अ स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर। जैसा कि इनका नाम है जनरल पर्पज़ कंप्यूटर, जनरल पर्पज़ कंप्यूटर जो हैं ये कॉमन कंप्यूटर हैं। जनरली इसमें कौन कौन से फंक्शंस आते हैं? बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं, कैलकुलेशंस हैं, डेटा सेविंग ऑन ए स्मॉलर स्केल, ये जनरल फंक्शंस कंप्यूटर की बात है, जनरल परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। बेसिक इसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कैलकुलेटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप हैं, मोबाइल्स, जो कि हेल्प करते हैं लोगों की विद देयर बेसिक नेसेसरी फंक्शंस। नाउ नेक्स्ट इज स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। ये कुछ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स हैं, जैसे कि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में हमने कई सारे कंप्यूटर पढ़े, लार्ज कंप्यूटर आईटी कंपनी के लिए, सुपर कंप्यूटर भी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में आ सकता है, मेन फ्रेम भी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में है। तो ये जो चीज़ें हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स में आती हैं। स्पेशल पर्पस तब डिज़ाइन किए जाते हैं कोई एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए स्पेशल पर्पस को डिज़ाइन किया जाता है। तो जैसे कि आप थर्मामीटर जो है वो एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है, क्योंकि ये थर्मामीटर जो है वो टेम्परेचर को मेजर करता है। जनरेटर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटीज़ को आप कह सकते हैं ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में आता है। डिवाइसेस जो हैं वो क्लाइमेट चेंजेस के लिए यूज़ होती हैं, वो भी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में ही हैं। और लार्ज कंप्यूटर्स फॉर आईटी कंपनीज के लिए, मशीन जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए यूज़ की जाती हैं, वो भी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में आता है। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो अभी हम इसके आगे हम इसका थ्योरी पार्ट जो है वो ये कंप्लीट हुआ, अब हम इस पे आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स पे बेस्ड हैं। फिर उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता आपके टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।